जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं कि इंडिया में पबजी बैन हो चुका, तो हम सभी के मन में क्या चल रहा है कि इंडिया में पबजी बैन होने का रीज़न क्या है? जैसे कि दोस्तों हम सभी को पता है कि पहले ही जून के महीने में हमारे इंडिया में दोस्तों 59 ऐप जो चीनी ऐप थे उनमें बैन हो चुका था, और उसमें एक बड़ा ऐप शामिल था टिकटॉक, जो हम सभी को पता कि वो बैन हो चुका था। और अब दोस्तों हमारे इंडिया में अभी दोस्तों टोटल मिला के 118 चीनी ऐप्स बैन हो चुके हैं, और उसमें एक बड़ा ऐप शामिल है जो कि पबजी मोबाइल है। पबजी मोबाइल हमारे इंडिया में बैन हो चुका है, और हम सभी लोग जानना चाहते कि इंडिया में पबजी आखिर बैन होने का क्या रीज़न, खास रीज़न क्या है, इसको गवर्नमेंट ने क्यों बैन किया पबजी मोबाइल को। तो जैसे कि हम सभी लोग जानते कि पबजी चाइना का नहीं है, ये है साउथ कोरियन का, तो फिर भी इंडिया में बैन क्यों किया गया, पबजी को गवर्नमेंट द्वारा क्यों बैन किया गया? तो मैं इस वीडियो में आप सभी का सारा कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से दूर करूँगा, और आप सभी का सारा कन्फ्यूजन को सारा आप सभी के मन में कोई भी डॉट नहीं रहने दूंगा, इस वीडियो से आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए बिना लेट किए करते इस वीडियो का स्टार्ट, और फिर मिलते हैं अपनी इस वीडियो के अंत में। तो दोस्तों आप सभी को इंडिया में पबजी बैन होने का रीज़न बताने से पहले आप सभी के साथ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम सभी लोग को पता है कि हमारे इंडिया में जो गेमर थे पबजी का गेमर वो बहुत ज़्यादा थे, और उन्हीं से उनका लाइफ चल रहा था। जैसे कि लाइव स्ट्रीम करके खेलता था, और कोई प्लेटफॉर्म पे पबजी खेलता था और उसी से अपना लाइफ चला रहा था, तो उनके लिए दोस्तों ये दिक्कत वाली बात है। और दोस्तों ये जब हमारे देश की बात आती है तो सारी दिक्कत छोटी लगने लगती है। तो दोस्तों देश के सामने कोई भी हमारा कुछ भी नहीं है, जो गवर्नमेंट कर रहे हो वो सही कर रहा है। और अगर आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में प्लीज़ आप भी कमेंट करके नीचे बताएं। तो चलिए दोस्तों मैं आप सभी को सबसे पहले मैं 2017 की कहानी आप सभी को बताता हूँ। तो दोस्तों 2017 में सबसे पहले पबजी साउथ कोरियन ने लॉन्च किया था अपने देश में, और वो दोस्तों सिर्फ पीसी में खेला जाता था पहले। तो दोस्तों जब वो गेम पबजी धीरे धीरे ज़्यादा हिट होने लगा, ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, तो चीन का उस पर नज़र पड़ा, तो उसने साउथ कोरियन के साथ एक डील की, और उसने बोला कि हमारा जो टेंसेंट कंपनी में आप अपना कंपनी इस गेम के साथ जोड़ना चाहते हो और कुछ और फीचर लाने की कोशिश करूंगा। इसी तरह से दोस्तों उन्होंने जो टेंसेंट कंपनी है चाइना का, तो उन्होंने उसने साथ मिलकर साउथ कोरियन के साथ मिलकर काम करने लगा। उसके बाद दोस्तों उन्होंने चीन पर अपना वो जो पबजी मोबाइल है वो लॉन्च किया। उसके बाद दोस्तों चीन ने क्या किया, टेंसेंट चीन का जो है उसने मोबाइल में भी अपडेट किया, डेवलप किया मोबाइल के लिए भी, पबजी मोबाइल के लिए। तो दोस्तों हम सभी को पता चल गया कि दोनों देशों का हाथ है। और दोस्तों एक खास ज़रूरी बात यह है कि जैसे कि अगर आप सभी को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, जो कि ये चीन वाले ये कभी भी हम सभी लोगों के मोबाइल को एक्सेस कर सकता है पबजी मोबाइल के द्वारा, और जितने भी सारे ऐप्स डिलीट किए हैं, बैन किए हैं, उन सारे ऐप्स से द्वारा हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते थे वो। इसलिए हमारे गवर्नमेंट सरकार ने इन 118 चीनी ऐप्स पर बैन लगाए हैं, और इसमें पबजी भी शामिल है। तो दोस्तों हमारे देश के लिए ज़रूरी था करना, जो भी गवर्नमेंट कर रही है ये सही कर रहा है हम सभी लोगों के लिए, और इससे आपका भी नुकसान हो सकता था। जैसे कि आप सभी का मोबाइल में बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रहता है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, तो आपका भी मोबाइल हैक कर सकता है या एक्सेस करके और आपका सारा डॉक्यूमेंट चुरा सकता था। तो दोस्तों आप सभी को क्या कहना है इस वीडियो से देख कर, आप सभी को क्या कहना है पबजी बैन लेकर, तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा पबजी से रिलेटेड और कोई न्यूज़ के से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो लाता रहता हूँ।